हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इसके कनेक्शन, टू सॉकेट और टू स्विच। ये दो सॉकेट को इन दो स्विच के साथ कंट्रोल कैसे करते हैं और इसे कैसे वायरिंग करते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको इस स्विच सॉकेट को इस बोर्ड के अंदर फिट कर लेना है, जैसे कि मैंने ये कर रखा है। ये देखिए इस स्विच को और इस सॉकेट को यहाँ पे फिट कर दिया है। ये जो हमारा फ्रेम आता है, ये देखिए बोर्ड का जो फ्रेम आता है उसके अंदर इसको फिट कर दिया है। फिलहाल हमने इसमें कोई भी वायरिंग नहीं कर रखी है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे वरना कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ गलत कर बैठोगे। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस स्विच से इसको कंट्रोल करेंगे, इस स्विच से इसको कंट्रोल करेंगे। तो फिलहाल हम इसको पीछे की ओर घुमा देते हैं। ये देखिए अब ये हमारे पास पीछे की ओर ये आ गया है। तो सबसे पहले को तुमने को करना क्या है, एक वायर लेना है, एक वायर लेना है और यहाँ से यहाँ इस स्विच को दोनों को कॉमन करना है। तो मैं यहाँ एक वायर ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने वायर। ये वायर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि हमारा जो फेज है वो दोनों स्विच को मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। पहले इसको खोल लेते हैं स्क्रू को। ये देखिए ये लूज हो गया, अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसको टाइट कर देते हैं। अब इस वायर इसका जो सेकंड मूव है उसको इस स्विच के अंदर डालना है, सॉकेट के अंदर नहीं डालना है, कुछ स्विच के अंदर डालना है। इसको यहाँ पे ये डाल दिया मैंने ना, ये यहाँ पे डाल के इसको यहाँ टाइट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो फेज है हमारा, अब आप यहाँ पे फेज यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी फेज को कनेक्ट कर सकते हो, दोनों स्विच में फेज मिल जाएगा। अब क्या करना है, अपने को सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है स्विच को। अब जैसे कि मैं इस स्विच को इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ और इस सॉकेट को भी ये इसमें ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए ये एल लिखा हुआ है और यहाँ पे ये एन लिखा हुआ है। तो ये न्यूट्रल वायर है, ये जो हमारा फेज होता है, तो मैं इसको भी यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसको यहाँ कनेक्ट कर लेना, ये वापस खुल गया है। तो पहले मैं इसको स्विच की तरफ डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया स्विच में, अब इसकी तरफ ये सॉकेट में, ये देखिए इसको खोल के, ये खोल के ये इसके अंदर डाल दिया। ये जो हमारा सॉकेट है ये स्विच से अब कंट्रोल हो चुका है। तो अभी मैं इस दूसरी साइड का और कर देता हूँ। तो ये एक और वायर लेते हैं और दूसरी साइड का जो हमारा सॉकेट है उसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसको टाइट कर देते हैं। और हमारा जो सेकंड मूव है वो इस स्विच के अंदर डाल देते हैं। यहाँ डाल के इसको टाइट कर ले, से टाइट ऐसे अच्छे से कर ले ताकि कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं हो। तो ये देखिए फिलहाल मैंने इसको तो यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ये तो हमारा हो गया कि फेस तो हमारे सॉकेट है उसको मिल गया है, लेकिन अब हमारे को यहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता है। तो हमें न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, ये कैसे हमारे को लगाना है, तो वो सीखेंगे।
अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सारे सब कुछ लग चुका है, सिर्फ एक तो ये और ये बचा है, ये जो हमारा न्यूट्रल है इस सॉकेट का और ये इस सॉकेट का न्यूट्रल है। तो मैं एक वायर लेता हूँ और इसको यहाँ से इस न्यूट्रल से ये यहाँ पे लेता हूँ, इस न्यूट्रल से इस न्यूट्रल को यहाँ कॉमन कर देता हूँ, जिससे कि हमारे एक एक न्यूट्रल से दोनों सॉकेट को न्यूट्रल मिल जाए। तो ये देखिए ये फिलहाल अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो स्विच है ये इसको कंट्रोल करेगा, ये स्विच है ये इसको कंट्रोल करेगा। जैसा कि अब जैसे आपको अब इसमें ये तो हो गया, अब आपको मेन तार कहाँ कहाँ लगाने वो बताता हूँ। आपको मेन तार जो होगा फेस या न्यूट्रल होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा मेन तार है, ये देखिए, तो मैं एक यहाँ लगाऊंगा यहाँ न्यूट्रल के अंदर और एक यहाँ पे लगाऊंगा, देखिए यहाँ पे यहाँ यहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे लगाएंगे तो भी सप्लाई इधर से इधर आएगी, इधर से वहां जा सकते, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये मैं इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए हमारा न्यूट्रल है वो सॉरी फेज लग चुका है। अब हमारे को न्यूट्रल यहाँ लगाना है, यहाँ से लगाएंगे तो वो उस सॉकेट में भी चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ये देखिए ये हमारा जो बोर्ड है टू स्विच और टू सॉकेट का वो कंप्लीट हो चुका है ये पूरी तरह से। अब आप इस स्विच से इस सॉकेट को चला सकते हो, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हो। ये सिंपल है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा कितना वो नहीं है। यहाँ से आपको एक वायर यहाँ कनेक्ट करना है और न्यूट्रल का न्यूट्रल दोनों कॉमन करके यहाँ को करना है, और यहाँ से एक फेज वायर होगा जो हमारे यहाँ सॉकेट पर लगेगा, और एक स्विच से जो फेज वायर निकलेगा वो इस सॉकेट में लगेगा। तो ये बिल्कुल इजी है, आप ट्राई करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।